छोटे बच्चे जब अपना दुखड़ा अधिक रोते हैं तब बड़े बच्चे उन्हें चुप नहीं कराते बल्कि बैंड बाजा बारात लेकर रोने निकल पड़ते हैं। छोटे बच्चे जब अपना दुखड़ा अधिक रोते हैं तब बड़े बच्चे उन्हें चुप नहीं कराते बल्कि बैंड बाजा बारात लेकर रोने निकल पड़ते हैं। खुद भी बच्चे कुछ मांगे इसके पहले ही वे आ जाते हैं सदल पर। बच्चे कुछ मांगे इसके पहले ही वे आ जाते हैं सदल पर, छांट ले जाते हैं सभी चावल गेहूँ किशमिश काजू के नफासत वाले दाने, यहाँ तक एक प्याज और टमाटर पर भी बिखा दिए जाते हैं। पहले बड़े बच्चे चले जाते हैं अज्ञातवास को, जो तब टूट पड़ता है जब जरूरत पड़ती है उन्हें दाल चावल से लेकर चाय कॉफी तक। वे आते हैं धार धार रोते हैं इतना कि माताएं अपने स्तन के दूध भी उतार उन्हें दे देती हैं उनकी खीर मलाई और चाय कॉफी के। वे आते हैं धार धार रोते हैं इतना कि माताएं अपने स्तन के दूध भी उतार कर दे देती हैं उनकी खीर मलाई और चाय कॉफी के लिए। माताएं समझदार हैं, जानती हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। वे न रोकते हैं न दूध मांगते हैं, चुप तो ताकते रहते हैं, कभी माँ के सूखे स्तन, कभी अपने खाली तिल, कभी सूनी अपनी आंखें, कभी माँ की बरसती आंखें। बच्चे चुप हैं, बच्चे जिद नहीं करते हैं, पता नहीं बच्चे बच्चे हैं या क्या है। मुझे लगता है एक बार बच्चे रोए तो इतना कि सहम जाएं वे सभी बड़े बच्चे जो जबरन ले जाते हैं उनके हिस्से का जल जमीन जंगल झरना बरसात आम की बौर कोयल की कूप यहाँ तक कि सड़क किनारे गावारिस पर पड़े होते भी। सहम जाएं वे सभी बड़े बच्चे और छोड़ दे बच्चों का साम्राज्य उनके दूध मसाले स्लेट बस्ते जंगली फूल लताएं कुछ नदियाँ मधुमक्खियाँ शहद दे देंगी मधुमक्खियाँ नदियाँ भी दे देंगी मछलियाँ और वे बड़े बच्चे चले जाएं कहीं सुदूर ऐसे अज्ञातवास को जहाँ से ना लौटे कभी। तब तक छोटे बच्चे बड़े हो गए रहेंगे जान गए रहेंगे टमाटर और प्याज के भाव के बढ़ने घटने के राज। ये बच्चे बड़े हो गए होंगे तब तक मजबूत कर लेंगे अपने हाथ ताकि चला सके अपने हाथों अपना राज सिंहासन खाली करो क्योंकि छोटे बच्चे आते। क्या बात है।